हाई गाइज एंड वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर इलेवन फोर्स एंड प्रेशर ऑफ क्लास एट यूनिवर्सल साइंस सो लेट इस स्टार्ट दिस चैप्टर एक्चुअली दिस इज़ अ चैप्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर हायर क्लासेज पॉइंट ऑफ व्यू तो आगे जाके भी आप इन दो टॉपिक्स को फोर्स एंड प्रेशर को डिटेल में पढ़ने वाले हो आगे की क्लासेज में सो इट इज़ बेटर टू हैव क्लैरिटी फ्रॉम दिस क्लास ऑल्सो ठीक है जी

हम लोग प्रेशर को डिफाइन करने वाले हैं और इसे फोर्स के साथ रिलेट करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है फोर्स एंड प्रेशर के बीच का देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर के कैसे डे टू डे लाइफ में जो प्रेशर का फिनोमिना है उसे यूज़ किया जाता है देन वी आर गोइंग टू डिस्कस वट इज़ द प्रेशर दैट इज एग्जर्टेड बाई द फ्लूइड्स एंड गैस मतलब कि गैस एंड जो फ्लूड्स हैं वो भी जो है प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सो लेट इज स्टार्ट द चैप्टर अब यहाँ पे द फर्स्ट यू सी द स्टेपिंग स्टोन्स वाली एक्सरसाइज एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब कि बहुत आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में ठीक है तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कब मूव करते हैं जब उनको मतलब कि फ़ूड के लिए खाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है जब उन्हें शेल्टर की नीड होती है लाइक डॉग्स को हम लोग देखते हैं इधर उधर जाते हैं ना रेन से बचते बचते तो वो कब जाते हैं वैन दे नीड शेल्टर और वैन दे आर सर्चिंग फॉर फूड एंड ऑन द अदर हैंड क्या होता है जो ज़्यादातर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कब मूव करते हैं जब हम उन्हें जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं जैसे कि डोर हो गया बॉटल हो गया बॉल हो गया तो वो तब मूव करेंगे जब हम उन पर फोर्स लगाएंगे एंड वो कैसा फोर्स होगा इट विल ईधर बी अ फोर्स ऑफ अ पुश और पुल मतलब कि फोर्स के आप लोग बोल सकते हो कि दो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं मेन इधर अ पुश धक्का लगाना पुल या फिर अपनी तरफ खींचना ठीक है जी अब हम लोग यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बॉय क्या कर रहा है ये टेबल को पुश कर रहा है सो वी कैन आइडेंटिफाई दिस एज अ पुश फोर्स एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एज अ पुल फोर्स बिकॉज जो तीर का मान पकड़ा हुआ है ना तो वो तीर को खींच रहा है सो दैट इज़ अ Pull force okay now let us start with our topic that is force so we often push or pull things around to move them we know that दैट कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं या तो हम चीज़ों को धक्का लगाते हैं या फिर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं to make them move. ठीक है जी We push the button of a switch to on off the light or other electrical devices जो हमारा बटन होता है जो हमारी स्विच होती है स्विच बोर्ड्स पर जो स्विच लगी होती है अगर हमें लाइट को ऑन या ऑफ़ करना है तो हम लोग या तो उसको पुश करके ऑन या ऑफ करते हैं राइट right? एंड वी पुल द ड्रॉर अब आप लोग जब ड्रॉ खोलते हो जिसमें आपका कपड़ा वगैरह या फिर दूसरा सामान रखा होता है तो आप उसको पुल करते हो डॉर को ताकि वो ओपन हो जाए तो यहाँ पे डॉर मूव हो रहा है तो आप पुल का फोर्स लगा रहे हो है ना एंड when यू क्लोज द drawer तो यहाँ पे आपको पुश भी देखने को मिलता है पुल भी देखने को मिलता है बिकॉज वेन यू पुश द ड्रॉर तो वो क्लोज हो जाता है ठीक है ड्रॉर फिर से मूव कर रहा है एंड इस पर आप पुष का फोर्स लगा रहे हो सो अ पुश और पुल इज़ ऑल्सो अप्लाइड वेन वी लेफ्ट अ बैग किक ऑफ फुटबॉल अब जब आप बैक को लिफ्ट करते हो तो आप उसको पुल करते हो है ना जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो तो आप उस पर पुश का फोर्स लगा रहे हो जब वैन यू पेडल अ बाईसाइकल तब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हो है ना पुश का फोर्स लगा रहे हो देन वैन यू कंप्रेस अ बलून जब आप एक बलून को कंप्रेस करते हो मतलब कि जब आप उसको आ, क्या बोलते हो कि जब आप उस पर हाथों से अपने हाथों से उस पर फोर्स लगा के उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो बलून को तब भी आप उस पर फोर्स लगाते हो है ना यू यूर अप्लाइंग पुश फोर्स देन वेन वी स्क्वीज़ अ ट्यूब ऑफ अ टूथपेस्ट जब आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करके उसमें से टूथपेस्ट निकालने की कोशिश करते हो ना यू आर ऑल्सो देन अप्लाइंग अ फोर्स ना दिस पुश और पुल दैट अफेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन सम वे इज कॉल्ड अ फोर्स अब ये जो आपका पुश या पुल का जो आपका एक्शन है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी वे में अफेक्ट कर रहा है तो इसको आप लोग बोलते हो फोर्स ठीक है जी सो दिस इज द डेफिनेशन कि दिस पुश और पुल फोर्स दैट अफेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इन सम वे इज कॉल्ड फोर्स फोर्स नाउ जो है है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी मतलब आप फोर्स को मेजर कर सकते हो कि कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है यू कैन मेजर इट्स इंटेंसिटी एंड इट्स क्वांटिटी अब जो आपका ऐसा यूनिट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब कि कितना लग रहा है ठीक है जी वो होता है न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ एन ठीक है जी अब फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है ठीक है जी अब जब फोर्स की यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस बट आपके पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज तो आपके पास जो फोर्स है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है मतलब आपके पास यहाँ पे फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी है क्वांटिटी भी है एंड आपके पास डायरेक्शन भी है जिसके हिसाब से आप इसको मेजर करते हो तो ऐसा होता है कि अगर मोशन के साथ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ आप फोर्स लगा रहे हो सो इट इज़ सेट टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है एंड वेन इट वेन इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो फोर्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है नेगेटिव न्यूटन यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस बट इस टॉपिक uh, में आपको इतना पता होना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है फोर्स जब आप मेजर करते हो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखते हो अब जो लगभग जो हर एक एक्टिविटी होती है हमारी डे टू डे लाइफ में उसमें हमारा फोर्स का इन्वॉलमेंट होता है जब हम ग्लास उठाते हैं पानी का या फिर जब हम गिटार प्ले करते हैं जिनको प्ले करना आता है वेरी गुड तो uh, जब हम गिटार प्ले करते हैं एंड व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल सरप्राइजिंगली जो हमारा फोर्स है ना हम उसको ना ही देख सकते हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं ठीक है ठीके? हम सिर्फ इसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के क्या क्या फोर्सेस के इफेक्ट्स होते हैं तो आप सबने क्रिकेट मैच देखा होगा राइट right? अभी तो आई भी चल रहा है सो यू मस्ट हैव सीन अ क्रिकेट मैच लेट अस रिफ्रेश विजुअल मेमरीज तो क्या होता है आपका जो बॉलर है है ना जो बॉल फेंक के मारता है ऑब्वियसली बैट्समैन को सो बॉलर मूव्स द स्टेशनरी बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स विद इज हैंड अब बॉलर के हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है तो वो फोर्स लगा के क्या करता है बॉल को फेंकता है जो पहले स्टेशनरी थी स्टेशनरी का मतलब जो मोशन में नहीं थी है ना तो वो फोर्स लगा के उस बॉल को मूव कराता है और जो आपका बैट्समैन है वो भी फिर से फोर्स लगाता है अपने बैट से जिससे वो बॉल को हिट करता है तो अब क्या होता है देखो मान लिया आपका आ, बॉलर है तो ये बॉल को फेंकता है तो ऐसे करके बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है अब यहाँ पे आपका बैट्समैन खड़ा है इसके हाथ में बैट है अब ये जब फोर्स लगाएगा या तो ये जब फोर्स लगाएगा तो बॉल इधर, इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है राइट तो फोर्स से यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है है ना फोर्स से आपकी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है इट चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल अब जो फील्डर है फील्डर क्या होता है जो मतलब कि बॉल को कैच करते हैं ना एंड बाउंड्री uh, लगने से बचाते हैं वगैरह वगैरह सो अ फील्डर यूजेज हेजा बॉडी पार्ट्स टू स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग बॉल अब यहाँ पे क्या हो रहा है जब आपका फील्डर है वो क्या करता है वो या तो बॉल को कैच करके उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है ऑब्वियसली तो यहाँ पर क्या हो रहा है बॉल का मोशन रुक जाता है जो पहले बैट्समैन के मारने से मोशन में आ गई थी राइट right? तो या तो वो उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है या फिर उसको रोकने की कोशिश करता है सो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ प्ले एंड हार्ड हिटिंग डन बाय बैट्समैन द शेप ऑफ द बॉल डीफॉर्म्स फ्रॉम इट्स इनिशियल स्फेरिकल शेप तो ऐसा भी होता है कि क्या होता है जब ज़्यादा आप लोग बॉल के साथ खेलते हो ना एक ही बॉल के साथ खेलते हो आप लोग गली क्रिकेट वगैरह में भी देखते हो कि जब आप ज़्यादातर एक बॉल के साथ खेलते हो तो क्या होता है उसका शेप ना धीरे धीरे जो पहले पूरा गोल होता है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है मतलब कि थोड़े थोड़े उस पर डेंट्स आने शुरू हो जाते हैं राइट उसका जो शेप है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि उसका जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है है ना तो इस सिचुएशन से हम लोग मेनली कंक्लूजन्स क्या क्या निकाल सकते हैं कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कि आपका जो फोर्स है उसका पहला इफेक्ट क्या है कि कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आपका उसको मोशन में ला सकता है है ना सो वट हैपन्स वेन अ स्टेशनरी फुटबॉल इज बाय अ प्लेयर अब आपको पता है कि मान लो ये आपका फुटबॉलर है राइट right? तो पहले क्या थी पहले बॉल ग्राउंड पे पड़ी थी बिल्कुल स्टेशनरी थी इट वॉज नॉट मूविंग राइट सो अब क्या हुआ फुटबॉलर ने जब अब किक लगाई बॉल पे तो बॉल मूव करेगी राइट right? टू रोल और फ्लाई अवे अब वो फोर्स पे डिपेंड करता है कितना फोर्स लगाया है फुटबॉलर ने कि या तो वो सीधा ऐसे ऐसे रोल करती जाएगी या फिर मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी राइट अब सिमिलरली क्या होता है आपका जो बाइसिकल है वो पहले क्या होता है बाइसिकल पहले स्टेशनरी होता है बट जब आप पेडल्स चलाते हो अपने फीट से तो क्या होता है बाइसिकल मूव करता है है ना हाउ एवर अ फोर्स मे नॉट ऑलवेज कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव अब क्या होता है कि ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो वो मूव ही करे ठीक है जी जरा एक्सेप्शन के मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही हैवी हो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप दीवार पर पुष का फोर्स लगा रहे हो अब हमने तो पढ़ लिया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुष करते हैं तो क्या होता है वो मूव करता है जब हम पुष पुल करते हैं अब दीवार पर आप जितना मर्ज़ी फोर्स लगा लो बेटा वो तो मूव नहीं करेगी ना राइट सो इट डज नॉट मूव फ्राम इट्स प्लेस सो एक्सेप्शन आर देर ना फोर्स कैन स्पीड चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो सकती है ना वट हैपन्स अ मूविंग ट्रॉली इज़ पुश हार्डर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन अब मान लो आप मार्केट uh, में गए ठीक है शॉपिंग करने गए हो बहुत सारा सामान आपने ले लिया है ठीक है खाने पीने का अब क्या हो रहा है आप ट्रॉली को मूव रहे हो मूव रहे हो मूव रहे हो अब अचानक से आपको मम्मी का कॉल आता है घर से कि जल्दी बेटा घर पर आने तो तेरे जूते पड़ेंगे तो अब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो वह भाग के ट्रॉली को पुश करते हो तो क्या होता है आपकी भी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है एंड ट्रॉली की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि आप ट्रॉली पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो ठीक है जी सो so, क्या होता है अब एक जो स्पीड है ट्रॉली की इस ट्रॉली की स्पीड क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हम लोग उस पर फ़ोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं अब क्या होगा अगर हम लोग मूविंग ट्रॉली की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ट्रॉली मूव कर रही है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है जो आपकी ट्रॉली होती है या फिर जो आपकी कार्ट है इस केस में स्लो डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहा है ठीक है जी तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स चेंज कर सकती है द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या तो वो फोर्स को या तो वो जो स्पीड है उसको बढ़ा सकती है इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ईदर इट कैन डिक्रीज द स्पीड इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है जी थर्स वेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि दिस जिस डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगा रहे हो तो आपका जो स्पीड है वो क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा अब दूसरे केस में क्या होता है अगर आप फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहे हो जो मोशन के ऑपोजिट है तो क्या होता है जो आपकी स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी ठीक है जी नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज़ के फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट कि जो आपका फोर्स है वो स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को ठीक है जी एज वी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ क्रिकेट कि जब आपका जो फील्डर uh, है वो बॉल को अपने हाथों से कैच करता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो आपकी बॉल स्टेशनरी फर्स से हो जाती है ठीक है जी स्टॉप हो जाती है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि वेन वट हैपन वन द प्लेयर शॉट द फुटबॉल एट अ गोल एंड इज कलेक्टेड बाई द गोल कीपर अब क्या होता है बेटा जब आपका फुटबॉलर गोल की तरफ बॉल फेंकेगा तो ऑब्वियसली जो आपका गोल कीपर खड़ा है उसकी तो ये ड्यूटी है कि वो बॉल को रोकेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा uh, कि जो फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड्स ऑफ द गोल कीपर ब्रिंग्स द मूविंग फुटबॉल टू रेस्ट ईजीली ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है ये कि जब आपका गोल कीपर अपने हाथों से फोर्स लगा के स्टॉप करेगा बॉल को तो बॉल क्या होगी रुक जाएगी ठीक है जी सो इन दिस केस फोर्स स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है जी इट ब्रिंग्स द फुटबॉल टू रेस्ट सो फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट ओके अब फोर्स कैन चेंज अ स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट और स्टेशनरी डायरेक्शन मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर भी वही चीज लिखी है कि आपकी जो स्टेट ऑफ मोशन है बेटा स्टेट ऑफ मोशन आपकी दो तरह की हो सकती है या तो आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा हो मोशन में हो या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ हो रेस्ट पर हो या फिर स्टेशनरी पे हो ठीक है जी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ठीक है जी एंड जो आपका शेप है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो सकता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्शन जो है आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर सकता है अब क्या होता है जब एक बैट्समैन हिट करता है एक बॉल को जो बॉलर उसकी तरफ फेंकता है तो क्या होता है जो आपका फोर्स है जो बैट अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है बॉल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है है ना अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा राइट right? जिस डायरेक्शन से आपकी बॉल आ रही है जब बैट्समैन हिट करता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है है ना सामने की तरफ जाती है बॉलर की तरफ जाती है सो इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन और इन अ डायरेक्शन दैट इज़ डिफरेंट देन द डायरेक्शन इन विच द बॉल वॉज कमिंग फ्रॉम राइट सो एज अ रिजल्ट द बॉल बिगिन टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन है ना सो so, अब आपका यहां पे एक क्या फिन इफेक्ट uh, बनता है फोर्स का कि जो फोर्स है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी नेक्स्ट इफेक्ट है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि जब आपका च, uh, जो चिल्ड्रन है वो पुश एंड पुल द क्ले डो टू चेंज अच्छा आपने क्ले ऑब्वियसली क्ले के साथ आप खेले हो गए ना वंस ए तो क्या होता है अगर क्या देखते हो जब आप प्ले के साथ खेलते हो के जब आप उसको पुश या फिर पुल करते हो ऑब्वियसली आप हैंड्स के साथ उस पर फोर्स लगाते हो ना तो आप उसकी शेप या फिर साइज को चेंज करते हो एंड आप उससे अलग अलग शेप्स बनाते हो राइट तो जब आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी जो है जब आटे को गूँजती है तो क्या होता है तब भी शेप उसकी चेंज होती है आटे की जब आप टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज़ करते हो तब भी उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है है ना जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तब भी उसका शेप चेंज होता है वो एलोंगेट हो जाता है या फिर स्क्वीज uh, हो जाता है है ना एंड व्हेन यू क्रश अ कोल्ड ड्रिंक कैन तब भी उसका शेप चेंज होता है है ना अब उस पर फोर्स लगा रहे हो सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स इन विच फोर्स कॉजिज अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ पुश और पुल दट इफेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन समवेज कॉल्ड अ फोर्स रन थ्रू ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो डेफिनेशन इस पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि इफेक्ट्स क्या है फोर्स के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करा सकती है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है जी uh, ये भी कर लेते हैं डैश इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स यू नो दिस इट इज़ न्यूटन या फिर एन आप लोग पूरा लिख सकते हो यहाँ पे न्यूटन फोर्स कैन चेंज द डैश एंड डैश ऑफ अंग बॉडी तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है जी नाओ फोर्स इज अ मेजरेबल क्वान्टिटी ठीक है जी नाओ लेट इज स्टडी द टाइप्स ऑफ फोर्सेज वट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेज बेटा अब प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा कि फोर्स क्या है एंड वट आर द अफेक्ट दैट आर ऑफ फोर्स अब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में ठीक है जी uh, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू थ्रो द बॉल इन द एयर इट कम्स डाउन आफ्टर सस्टेनिंग अ सर्टेन हाइट और आयरन नेल्स मूविंग टुवर्ड्स अ मैग्नेट अब क्या हो रहा है जब आप एक बॉल को एक हाइट uh, पे फेंकते हो जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है ऐसा नहीं है वो आसमान में उड़ती रहती है नो इट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम है ना वो नीचे आ जाती है ऐसा क्यों होता है एंड जब आपके आयरन नेल्स किसी भी लोहे की चीज़ एक मैग्नेट की तरफ मूव करती है वाई डज दिस हैपन एंड यहाँ पे जो कौन से कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है या फिर दोनों फोर्सेस डिफरेंट हैं एक्चुअली अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अब एक फोर्स कब अराइज होती है व्हेन देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ठीक है जी जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आपका फोर्स बनेगा नॉट डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंटरैक्टिंग बॉडीज टच ईच अदर और नॉट फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती करती है, है ना तो फोर्स प्रोड्यूस होता है अब क्या होता है फोर्स आपके पास यहाँ पे आगे दो टाइप्स पे क्लासिफाई हो सकता है ऑन द बेसिस कि जो आपके ये दोनों बॉडीज़ है या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा बॉडीज़ है ये एक दूसरे को टच कर रही है या नहीं कर रही है इधर दे आर टचिंग ईच अदर और इफ़ दे आर एट अ डिस्टेंस तो इसके बेसिस पे आपके फोर्स दो टाइप्स से क्लासीफाई होते हैं बेटा कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ठीक है जी नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेज सो वेन वी किक अपुटबॉल जब आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो एक फोर्स आराइज होता है वाई क्योंकि आपकी लेग जो है एंड जो आपका फुटबॉल है वो क्या कर रहा है दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपका जो पैर है एंड जो फुटबॉल है वो क्या कर रहा है वो दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जिसकी वजह से जो आपकी लेग है वो किस पे फोर्स लगा रही है फुटबॉल पर फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से जो फुटबॉल है वो मूव करता है राइट right? अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है एक दूसरे के साथ टच में रहना राइट सो देयर इज अ टच बिटवीन योर लेग एंड द फुटबॉल सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द फुट एंड द फुटबॉल राइट सो सच फोर्सेज विच रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जिसमें बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही है दैट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज ठीक है जी हाउ एवर देयर कैन बी एन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंटरैक्टिंग बॉडीज ठीक है जी अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट जो है हमेशा डायरेक्ट हो कि हाँ जो दो जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है वो हमेशा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं देयर कैन बी एन इंटरलिंकिंग बॉडी बिटवीन देम आल्सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी डोर को शट करना चाहते हैं ना कई बार क्या होता है हम लोग उसको एक स्टिक से भी पुश कर सकते हैं आलस आ जाता है भाई कई कई बार बंदे को है ना तो क्या होता है आप लोग उसे स्टिक के साथ या फिर किसी डंडे के साथ भी आप डोर को बंद करना चाहो तो तब भी कर सकते हो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज यहाँ पे चाहे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है आपके हैंड का एंड डोर का बट आप हैंड से स्टिक को पकड़ रखा है एंड स्टिक इज इन कॉन्टैक्ट विद द डोर सो देयर इज़ एन इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है जी अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आगे जो आपके कुछ टाइप्स है दैट इज़ मस्कुलर फोर्स मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स नाउ लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द मस्क्युलर फोर्स अब मस्क्यूलर फोर्स कौन सा होता है बेटा कि अ फोर्स दैट रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स तो इस फोर्स में क्या होता है जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं जो हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ हैं हम लोग उसका यूज़ करते हैं ठीक है जी जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि पुशिंग हो गया पुलिंग हो गया थ्रो करना हो गया किसी चीज़ को किसी चीज़ को किक करना हो गया किसी चीज़ को उठाना हो गया यहाँ पे हम लोग अपनी बाहों का आ, बाहों के मसल्स का हेल्प लेते हैं ना किकिंग में हम लोग अपनी लात के मसल्स का हेल्प लेते हैं पुशिंग पुलिंग आप लोग किसी भी अपनी बॉडी के चीज़ से कर सकते हो है ना अब जैसे हम लोग रन करते हैं यहाँ पे हमारी लेग्स का यूज़ हो रहा है हम लोग जंप करते हैं यहाँ पे भी हमारे लेग्स के मसल्स का यूज़ हो रहा है जब हम अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं तब भी देर आर मसल्स इन एक्शन है ना सो दीज और आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स ना वाइल अपलाइंग अ मस्क्युलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अवर बॉडी हैज़ टू बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट थर्स मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पे बैठे हो ठीक है आप बेड पर बैठे हो आपका डोर दूर है तो आप ऐसे मतलब के हाथ आगे करोगे डोर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पर जादू से गेट बंद हो जाएगा ऐसा तो नहीं होता है ना यू हैव टू टच द डोर एंड यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट है न ताकि वो बंद हो जाए सो so, टू अप्लाई फ़ोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई मस्क्यूलोर फोर्स अगर आप मस्क्यूलोर फोर्स का यूज़ ले रहे हो सो देअर ईदर हैज़ टू बी अर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसीलिए जो आपका मस्कुलर फोर्स है इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है जी अब जो एनिमल्स हैं वो भी मस्क्यूलोर फोर्स का यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन्स करें है ना क्या होता है जब भी वो मूव अराउंड करते हैं इधर उधर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने पैरों का मूव करते हैं भाई ठीक है जी उनके भी यहाँ पर मसल्स जो है यूज़ हो रहे हैं जब वो लोगों को कैरी करते हैं या फिर कैरी पीपल अब फॉर एग्जाम्पल जैसा आपका खच्चर होता है जब वो खींचता है ना या फिर घोड़ा गाड़ी हो गया वगैरह वगैरह तो जब वो लोगों को खींचते हैं या फिर जब वो लोड कैरी करते हैं तब भी उनके मसल्स का यूज हो रहा है है ना ओके द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन अब क्या होता है जब आपकी बॉल है जब वो रोल कर रही है ग्राउंड पे तो क्या होता है वो चलेगी 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 कुछ देर बाद वो खुद ही स्टॉप हो जाती है ऐसा क्यों होता है एक और एग्जाम्पल देखो कि जब आप किसी बाईसाइकिल को चला रहे हो एंड आप उसका क्या बोलते हो आपने पेडलिंग छोड़ दी है ना आपने पेडलिंग करना छोड़ दिया बाईसाइकिल को तो क्या होता है वो धीरे 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 खुद ही रेस्ट पे आ जाएगा बाईसाइकिल है ना आपको ब्रेक लगा अगर आप ब्रेक नहीं भी लगाओगे तब भी वो चाहे थोड़े से टाइम के बाद आए बट एट सम पॉइंट इट विल कम एट रेस्ट ऑल्सो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर अब ऐसा क्यों होता है भाई कि हम लोग जब भी किसी हैवी बॉक्स को या फिर हैवी uh, चीज़ को जब हम लोग पुश कर रहे हैं जब हम लोग धक्का मार रहे हैं तो उस पर इतना फोर्स क्यों लग रहा है उस पर हम लोग इतना मतलब कि स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं उसको हिलाने के लिए सो इन दिस केस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स टू स्लो इट डाउन और स्टॉप इट अब यहाँ पे जो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है है ना जब आप बॉल को ऐसे ही मतलब कि रोल करवा रहे हो तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो उसको स्टॉप करवा रहे हैं हम कोई क्या फोर्स लगा रहे हैं उस पर स्टॉप करवाने के लिए हम क्या बॉल को हाथ लगा रहे हैं नहीं जब हम लोग बाईसाइकिल को पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं क्या हम लोग कोई फोर्स उस पर लगा रहे हैं कि वो रुक जाए नहीं हम लोग तो कोई अपनी तरफ से फोर्स लगा नहीं रहे हैं है ना सो इट अपीयर्स दैट देअर मस्ट बी अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन द सर्फिस विच आर इन कॉन्टैक्ट अब यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलती है कि कोई एक ऐसा फोर्स ज़रूर होगा जो इन दोनों सर्फिस के बीच में होगा जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है ठीक है जी इन दिस केस अ बॉल एंड अ फ्लोर है ना जी जो आपका बॉल है जिस फ्लोर पर रोल कर रहा है उन दोनों के बीच कोई फोर्स लग रहा है कि हाँ कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉल स्टॉप हो रही है है ना सो so, बिटवीन द सर्फिसज ऑफ द बॉल बाइसिकल टायर बॉक्स एंड फ्लोर एंड रोड ठीक है जी इन सारे सर्विसिज के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है है ना सो दिस फोर्स स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट फ्रॉम मूविंग द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि जो आपका फोर्स है ये स्लो डाउन कर देता है ये जो आपका फोर्स लग रहा है इन दो सर्फिसिज के बीच में है ना तो क्या हो रहा है इस फोर्स की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है या तो वो स्टॉप कर जाता है या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है जो मूव नहीं कर रहा है वो मोशन में आने से रुक जाता है ठीक है जी ये फोर्स प्रिवेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है वो मूव ना करे सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अब ऑब्बियस है वी स्टडीड अर्लियर कि जब आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जब वो ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के तो क्या होता है जो आपका स्पीड है वो कम हो जाता है एंड जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेस्ट पे आ जाता है है ना सो इट इज़ प्रिटी एविडेंट दैट दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है जी नाउ सच फोर्स दैट अपोजिज मोशन वेन टू सर्फेसिज आर इन कॉन्टैक्ट मूव और टेन टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन ठीक है जी अब ये कौन एक ऐसा फोर्स जो कि अपोज करता है मोशन को देखो आराम से समझो एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है मोशन को जब आपके दो सर्फेसेस या तो कॉन्टैक्ट में हो या फिर वो मूव कर रहे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है ना तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन ठीक है जी इट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फिसज ऑफ द बॉल एंड द फ्लोर दैट कॉज इज मूविंग बॉल टू स्टॉप अब ये फ्रिक्शन ही है फोर्स फ्लोर के बीच में एंड बॉल के बीच में जो स्टॉप कर रहा है बॉल को मूव करने से या फिर रोल करने से अब फ्रिक्शन जो है बिटवीन द सर्विस ऑफ द बाइसाकल टायर्स एंड द ग्राउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द बाइसाइकल वेन वी स्टॉप पेडलिंग इट है ना कि फ्रिक्शन लग रहा है बाईसाइकल टायर के बीच में एंड जो आपका रोड है जिस जिसपे आप या फिर जो ग्राउंड है आप जिस जिसपे आप बाईसाइकिल चला रहे हो तो क्या होता है जो आपका ग्राउंड है इट अप्लाइज अ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन इन विच द बाइसाइकल इज मूविंग ठीक है जी तो इसी की वजह से जो आपका बाइसिकल है वो धीरे धीरे रेस्ट पे आता है सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर प्रिवेंट्स द स्टेशनरी बॉक्स फ्रॉम मूविंग ठीक है जी कि जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉक्स एंड जिस फ्लोर uh, पे आपका जो बॉक्स रखा हुआ है उनके बीच में दोनों के बीच में जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स है दैट प्रिवेंट्स द बॉक्स फ्रॉम मूविंग ठीक है जी अच्छा एक ऐसा भी फिनमिना है कि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ठीक है एंड जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतना ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा एंड जितना ज़्यादा जो आपका ग्राउंड है वो क्या होगा खुरदुड़ा होगा या फिर जितना ज़्यादा आपका सरफेस कम स्मूथ होगा उस पर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा ठीक है आज फ्रिक्शन रिक्वायर्ज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फिसेज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अब जो आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स है इस पर भी क्या चाहिए होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए होता है दोनों के बीच में ठीक है जी सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन मत लो अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया अगला जो चैप्टर है फ्रिक्शन वो पूरा ही इस फ्रिक्शनल फोर्स पर आधारित है सो वी विल स्टडी डीपली इन दैट चैप्टर ठीक है जी अभी के लिए इतना याद रखो कि जो आपका फ्रिक्शन है इतने सर इट इज़ अ फिजिकल फोर्स इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है जी जिसको क्या रिक्वायर होता है कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है दो सौ ऑफिस के बीच में ठीक है जी नाउन नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल फोर्स अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है जब आपने देखा होगा कि आपकी जो कार है जब वो रोड पर मूव करती है ना हाउ डज़ इट मूव ऑन इट्स ओन तो वो जो कार है वो खुद ब खुद कैसे मूव कर रही होती है विदाउट बींग पुस्ट ऑफ अब आपका जो फोर्स है क्या यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है नहीं भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना हम लोग कार को धक्का थोड़ी लगा रहे हैं वो तो खुद ब खुद चल रही है है ना इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड द इंजन ऑफ द कार दैट इनेबल्स द कार टू मूव ऑन इट्स ओन यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे इंजन अप्लाई करता है फोर्स फोर्स राइट इंजन आपका अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से आपकी कार मूव कर रही है राइट इट इज ड्यू टू द मशीनरी ऑफ द कार दैट द कार इज मूविंग है ना नाउ द फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन फॉर एग्जाम्पल द इंजन ऑफ अ कार इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स अब क्या होता है कि कोई भी जो आपकी मशीन जब किसी भी फोर्स को जनरेट करती है जिसकी वजह से आपकी एक ऑब्जेक्ट uh, जो है वो मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स ठीक है जी तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स कि जो आपका फोर्स कोई भी मशीन अप्लाई करती है ओके सो नाओ मशीन्स डो नोट प्रोड्यूस दिस फोर्स ऑन देयर ओन तो ये जो मशीन है ना ये खुद ब खुद इस फोर्स को जनरेट नहीं कर सकती कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इंजन जो है वो खुद ब खुद इस फोर्स को जनरेट है नहीं जब का इंजन है या फिर कोई भी आपकी मशीन है उसको क्या चाहिए होता है इट नीड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है जी उसको कोई भी एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है जिसकी वजह से पहले मशीन वर्क करेगी एंड वो फोर्स अप्लाई करेगी ठीक है जो आपका केमिकल एनर्जी है पेट्रोल का उसको यूज़ किया जाता है कार इंजन के मोटर को रन करने के लिए यू नो पेट्रोल डीजल हम लोग कार में डालते हैं जिसकी वजह से कार का इंजन चलता है इसकी वजह से हमारी कार चलती है ठीक है जी सिमिलरली द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल यूज एनर्जी ऑफ मूविंग एयर फॉर रोटेशन अब आपको पता है कि जो आपकी ब्लेड्स हैं विंड मिल के है ना जो आपकी विंड मिल होती है वहाँ पर क्या होता है जो आपका फोर्स है एयर का ठीक है जी या फिर जो आपकी एयर की जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके विंड मिल्स मूव करते हैं है ना जिसकी वजह से वो रोटेट करता है नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है जो दूसरे टाइप का फोर्स है वो आपका कौन सा है इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स अर्थ सर्फेस और एन आयरन नील मूविंग टवर्ड्स अ मैगनेट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट आपको पता है कि जब आपका लीफ किसी भी पेड़ से धरती की तरफ गिरता है तो क्या धरती और लीफ के बीच में कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो विजिबल हो क्या आपको ऐसे देखने को मिलता है कोई कॉन्टैक्ट नहीं राइट ना हो वन यू सी कि आपका जो मैगनेट है एंड जो आपका आयरन नेल है आयरन नेल आपका मैग्नेट की तरफ मूव करता है डू यू ऑब्जर्व एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू नहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है ना आयरन नेल चाहे कितना भी दूर पड़ा ज़्यादा दूर नहीं मतलब इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बट मेनली ऐसा समझो कि इन दोनों के बीच इन दोनों केसेज में जो आपकी दो बॉडीज हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा राइट सो सच फोर्सेज जिसमें इंटरेक्शन तो होता है ऑब्जेक्ट्स का बट वो दोनों ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर तो ऐसे फोर्सेज को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स ठीक है जी तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्शन जो एक किसी भी डिस्टेंस के आ, होने से भी हो रहा है ठीक है जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं ना वो कब एक्ट करते हैं जब किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के इस वीडियो में हम लोग ये टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज ठीक है जी नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नाउ इफ़ वी फर्स्ट स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रविटेशनल फोर्स बहुत ईजी है इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इज पुलिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेल्फ अब इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करता है ठीक है इट इज़ पुलिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्सल्फ हाँ जी ऐसा होता है ठीक है जी हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली जब आप टेंथ में जाओगे ना सो so आपका नहीं सॉरी नाइन्थ में इज़ अ चैप्टर नोन एज ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन में इस फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ठीक है जी ना हो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स के अट्रैक्ट attract, इस अट्रैक्शन के फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पुल का फोर्स होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है सो दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बट इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या हम लोग जब दरवाजे को अपनी तरफ खींचते इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है बट यहाँ पे क्या हो रहा है जब आप दरवाजे को पुल करते हो यू आर मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद द डोर राइट तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये पुल का फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रिमेंबर दैट दिस फोर्स डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अब ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स uh, जो है मतलब कि इस फोर्स को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ सन और जो बाकी सारे प्लानट्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि आपका एक सर्कुलर पाथ आप लोग समझ सकते हो मान लो आपका सन है तो इसके अराउंड अराउंड जो आपकी सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स मतलब कि एक ही पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कहीं दूर गैलेक्सी छोड़ के भाग गए प्लैनेट्स नहीं ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपका सन है ना उसने सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है अपनी तरफ पकड़ के रखा है ठीक है जी सो so, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का इट कीप्स ऑल द ऑब प्लानट्स मूविंग इन फिक्सड ऑबिट्स अब सिमिलरली जो आपका अर्थ है उसकी भी जो एक नेचुरल सेटेलाइट है दैट इज द मून अब यहाँ पर क्या होता है द अर्थ ऑल्सो एक्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑल बॉडीज एंड ट्राइज़ टू पुल देम टूवर्ड्स इट्स सेंटर अब अर्थ में भी क्या होता है ना बेटा अर्थ भी जो है फोर्स अप्लाई करती है सारे के सारे बॉडीज़ पर जिसकी वजह से हम लोग ना अर्थ पर खड़े कैसे रह सकते हैं हम लोग उड़ क्यों नहीं जाते हैं ऐसा क्योंकि हम लोग ग्राउंड से चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है जी सो अर्थ ऑल्सो एक्जर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑल बॉडीज ट्राइज टू पुल देम टुवर्ड्स इट्स सेंटर ठीक है जी तो जो आपकी अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है ठीक है जी सो मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन सिक्स दैट ऑफ अर्थ मतलब कि मान लो ग्रेविटेशनल uh, फोर्स होगा अर्थ का कोई जी लेट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी जी तो आपका जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अगर आप लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का वन कर देते हो तो क्या होता है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पे क्या होता है सो बॉडी दैट वे 60 के जी ऑन अर्थ विल वे ओनली 10 के जी ऑन द मून अच्छा वेट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझो वेट क्या होता है ना वेट आपका वो फोर्स होता है जिससे जो आपकी आ, कोई भी जो आपकी बॉडी है वो आपको अर्थ की तरफ या फिर मून जो है अच्छा समझो वेट आपका अर्थ पे क्या होगा जिस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है वो आपका वेट होगा अर्थ पे एंड जिस फोर्स से मून आपको ऑन द सर्फिस ऑफ द मून जिस फोर्स से मून आपको जब आप उसके सर्फिस पे खड़े होंगे अपनी तरफ खींचती है दैट विल बी योर फोर्स दैट विल बी योर वेट ऑन द मून ठीक है सो वट इज़ वेट वेट इज बेसिकली कि किस फोर्स के साथ आपकी जो धरती है या फिर जो आपका मून है वो उसको आपको अपनी तरफ खींच रहा है ठीक है जी तो ऑब्वियसली जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वो क्या करेगा वो ज़्यादा खींचेगा राइट right, अपनी तरफ तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा ऑब्वियसली तो आपका जो वेट है वो अर्थ पे ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा है वेट ज़्यादा होगा मून पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है कम है फोर्स कम है तो वेट जो है आपका कम होगा ठीक है जी यू विल स्टडी अबाउट दिस मोर इन द चैप्टर ग्रेविटेशन उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है आप चैनल पर जाके देख सकते हो ठीक है अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मेक्स अ लीव ऑफ ट्री फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग अप इन द स्काई अब क्या होता है आपके जो पत्ते हैं जब वो पेड़ से गिरते हैं तो क्या होता है वो ग्राउंड की तरफ खिंचते हैं वो ग्राउंड की तरफ फॉल करते हैं ऐसा नहीं है कि वो आसमान में उड़ रहे हैं राइट right? तो ये क्या है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अर्थ पत्तों को खींचती है अपनी तरफ राइट एंड इन फैक्ट जो हमारा वेट है देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि अवर वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अस कि जिस फोर्स के साथ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है दैट इज द वेट ठीक है जी एंड विदाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वी वुड फ्लाई ऑफ इन टू स्पेस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा अर्थ का तो हम लोग आसमान में उड़ते फिरेंगे ठीक है जी पीपल ऑफन कन्फ्यूज बिटवीन मास एंड वेट अब क्या होता है ना जो आपका मास है वो क्वांटिटी है मैटर की कंटेंड इन इट कि कितना आपका मैटर प्रेजेंट है किसी बॉडी में एंड जो वेट है वही हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर ठीक है जी नाउ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोजर टू आयरन नील्स अब क्या होता है जब हम लोग एक मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास मिलाते लाते हैं ऑब्वियसली आपके आयरन नील्स है वो अट्रैक्ट करेंगे एंड मैगनेट मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे नाव अब यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है नाओ यहाँ पे जो आपका पुल का फोर्स लगता है ना इट इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स टूवर्ड्स ठीक है जी मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेट का जो आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है बिटवीन द आयरन नेल्स एंड द मैग्नेट दो दिस इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वट हैपन्स वन वी ब्रिंग टू मैगनेट्स क्लोज टू इच अदर अब क्या होता है अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्या होता है जब आप दो मैगनेट्स को आस एक दूसरे के साथ मिलाते हो तो देखो यहाँ पे ना आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं या तो जो मैगनेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं या फिर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं अट्रैक्ट का मतलब कि वो एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव करेंगे रिपेल का मतलब कि वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे ना ऐसा क्यों होता है देखो जो आपके मैग्नेट्स होते हैं ना दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाई पोल डाई पोल का मतलब क्या होता है आपको मैग्नेट के पोल्स के बारे में पता होगा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं इट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल है, है ना तो आप किसी भी ऐसे मैग्नेट को देख ही नहीं सकते हो जिसमें सिर्फ या तो नॉर्थ पोल हो या फिर सिर्फ साउथ पोल हो हमेशा जो आपके मैग्नेट्स हैं उसके दो पोल्स होंगे हर एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं तो क्या होता है कि अगर आपने मान लो दो मैग्नेट्स यहाँ पे लिए अगर आपके यहाँ पे नॉर्थ है नॉर्थ पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ है यहाँ पे साउथ है तो क्या होता है दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टडी कि जो आप जब आप लाइक पोल्स लाइक पोल्स मतलब कि सेम पोल्स जब आप एक दूसरे के साथ में रखते हो क्या करते हैं मैगनेट्स आपके रिपेल करेंगे ठीक है जी अनलाइक पोल्स रिपेल सॉरी लाइक पोल्स रिपेल जब आप दोनों सेम सेम पोल्स को एक दूसरे के फेसिंग रखोगे तो क्या होगा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे ठीक है जी सो देर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन अब यहां पे अगर आपने साउथ साउथ रख दिया तो भी क्या होगा आपका रिपल्शन होगा ठीक है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे बट इफ यू कीप अ नॉर्थ फेसिंग अ साउथ अब यहां पर ऐसा मत समझना कि नॉर्थ साउथ नो तो यहां पे क्या होता है ना ये दोनों अलग अलग मैग्नेट्स है ठीक है नॉर्थ रखा आपने साउथ रखा तो क्या होता है नॉर्थ साउथ एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं अब ऐसा क्यों होता है यू विल स्टडी अबाउट दिस मोर इन क्लास टेंथ आपका जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है उसमें आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे ठीक है जी मैग्नेटिक फील्ड वाला सारा ताम झाम ठीक है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दो आगे बढ़ते हैं ओके सो वेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज़ ब्राउट नियर द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है नॉर्थ नॉर्थ साउथ का ठीक है जी रिपल्शन अट्रैक्शन का लिखा हुआ है ठीक है जी अब क्या होता है यहाँ पे कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट अनलाइक पोल्स का मतलब है जो दोनों डिफरेंट पोल्स होंगे अनलाइक पोल्स अन मतलब कि नहीं लाइक मतलब कि एक दूसरे से सेम नहीं है नॉट सेम ठीक है जी नॉर्थ साउथ सेम नहीं है क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट मीन वाइल लाइक पोल्स रिपेल ठीक है जी सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये क्या होता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवेलप्स ऑन द सर्फिस ऑफ सर्टन बॉडीज इन द रब अगेंस्ट ईच अदर अब क्या होता है कि जब आप किसी दो बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ रब करते हो ना तो यहाँ पे क्या होता है आपकी हीट तो जनरेट होती ही होती है आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी डेवेलप होगा ठीक है जी अब ये जो दोनों चार्ज बॉडीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्ज फोर्सेज एग्जर्ट करती हैं ठीक है जी ऑन अदर चार्जड और अनचार्ज बॉडीज अब ये जो हैं वो फोर्स एग्जर्ट करेंगी ऑन अदर चार्ज जिन पर चार्ज है कोई या फिर जिन पर कोई चार्ज नहीं है और ऑन अनचार्ज बॉडीज़ सो दिस चार दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको फोर्स को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है जी दिस फोर्स डज़ नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज थर्स इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अब यहाँ पर आपको कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट रिकॉयर नहीं है अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल किसके ले सकते हो देखो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद कि जब आप किसी रूलर को स्केल को अपने बालों के ऊपर रब करते हो अब हमने क्या पढ़ा था पहले कि वेन टू सर्फिस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर तो क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, है ना ठीक है जी तो जब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है या तो आपका बाकी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडीज़ पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगी तो अब जब आप पेपर के पास लेके जाओगे इस रूलर को तो क्या होगा ये पेपर को अट्रैक्ट करेगा ठीक है जी तो यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है जी अब इस फोर्स में भी कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ी बिटवीन बॉडीज ठीक है जी अब आप उस चीज़ में पहुंचाना कि हम लोग अपने हेयर पे रब कर रहे हैं सो so वो आप चार्ज को जनरेट करने के लिए कर रहे हो देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम फोर्स बाद में यहाँ पे एक्ट कर रहा है जब आपके पेपर्स जो है आपके डेस्क पे पड़े हैं एंड आप स्केल को ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर रहे हो ठीक है जी ओके सो दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अब लाइक मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या होता है वो या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है हाँ जी अब इस चीज़ को समझो कि अगर आपके जो चार अच्छा चार्जेस भी है ना चार्जेस भी आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ठीक है जी या तो आपके चार्जेस पॉजिटिव होंगे या तो आपके चार्जेस नेगेटिव होंगे ठीक है जी अब जो अपोजिट या फिर अनलाइक चार्जेस हैं ठीक है जी अपोजिट या फिर अनलाइक चार्जेस सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि जब आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अब अगर आपके पास पॉजिटिव ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है जी आ, आगे कुछ चैप्टर्स में स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उस पर आपको पता चलेगा कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं ना वो सॉरी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक ना ऑर्बिट में अरेंज्ड होते हैं वे किसी ऑर्बिट में अरेंज होते हैं एंड ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी वजह से क्या होता है अब आपको पता है कि जब आप नेगेटिव नेगेटिव को पास में रखते हो रिपल्शन होती है है ना तो इसकी वजह से उसका भी एक ऑर्बिट सा बन जाता है दो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स थोड़ा थोड़ा हम लोग भावनाओं में बह के ज़्यादा पढ़ जाते हैं एनी वेज़ Uh, यहाँ पे बस इतना याद रखो अभी तक कि जो आपके अपोजिट फोर्सेज अपोजिट चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे एंड जो आपके सिमिलर चार्जेस हैं लाइक चार्जेस है फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं ठीक है जी अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास दो टाइप के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ठीक है जी द फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन इलेक्ट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अब यहाँ पे जो आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बिटवीन दीज चार्जेस उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में या तो आपके पास अट्रैक्शन हो रहा है या तो आपके पास रिपल्शन हो रहा है सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स राइट नॉट लेट इज डिमॉन्सट्रेट थ्रो एन एक्टिविटी हॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अर बॉडी फ्यू चलो एक्टिविटी भी कर लेते हैं भाई <laughs> सो सुनाओ इफ यू टेक टू इन्फ्लेटेड बलून्स इन्फ्लेटेड मतलब कि जो बलून्स आपके पास फुले हुए हों ठीक है जी अब आप लोग उसे रब करो विद अ पीस ऑफ वूल ठीक है जी वेन यू ब्रिंग दैम क्लोज टुगेदर यू विल सी के वो एक दूसरे से दूर दूर मूव कर रहे हैं अब जो आपका पीस ऑफ वूल है उसको आप क्लोज लाओ फ्रॉम वन ऑफ़ द बलून्स अब क्या हो रहा है दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर तो अब क्या होता है ना कि रबिंग द बलून्स विद अ पीस ऑफ वूल कॉज बोथ द बलून्स टू गेट चार्ज अब आप जब एक बलून को रब करते हो फूल के साथ तो क्या होता है दोनों के दोनों बलून चार्ज चार्ज हो जाते हैं वो स्टडेड अबाउट दिस कि जब आप दो ऑफिस को एक दूसरे के साथ रब करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है अब सिमिलर टाइप्स ऑफ चार्जेस डेवलप ओवर द बलून्स वाइल एन अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप्स ओवर द पीस ऑफ वूल ओके okay, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपके पास दोनों बलून्स हैं उसको आप सेम पीस ऑफ वूल से जो है रब कर रहे हो राइट right? तो क्या होता है जो आपके पास वूल है उस पर एक टाइप का चार्ज होगा जो आपके पास बलून है उसके पास एक टाइप का चार्ज होगा वूल का <workiteners> पीस आपका सेम है आप इसे दूसरे जो है बलून पे रब कर रहे हो है ना तो यहाँ पे भी जो है आपका सेम टाइप ऑफ चार्ज जो है बनेगा ठीक है जी तो यहाँ पे क्या होता है ना जब आप दो बलून्स को एक दूसरे के पास पास लाओगे क्योंकि इन दोनों के पास अब सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है तो आपको पता है कि जो आपके पास लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से दूर दूर मूव होंगे अब जब आप वूल के पीस को बलून के पीस के पास ला रहे हो when यू हैव रब्ड दैम अगेंस्ट ईच अदर जब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है तो अब यहाँ पर आप लोग क्या देखते हो कि जो बलून है वो आपका वूल को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज बन जाता है ठीक है जी When टू balloons आर brought together, दे रेपेल each अदर दिस इज बिकॉज लाइक चार्ज रेपेल एंड वेन द पीस ऑफ वुड वूल इज ब्राउट नियर क्लोजर टू द बलून क्या होता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट क्यों करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज जो है वो डेवलप होता है या फिर अनलाइक चार्ज जो है डेवलप होता है एंड जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अ चार्ज बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट अदर अनचार्ज बॉडीज अब ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि चार्ज बॉडीज़ के बीच में ही आपको क्या है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिले क्या होता है कि कई बार जो है ना जो आपकी चार्ज बॉडी है वो बाकी के अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेती है क्या होता है अब चार्ज बॉडी फॉर एग्जांपल हमने पीछे एग्जांपल लिया था किसका रूलर का एग्जांपल लिया था आप उसको अपने बालों पे रब करते हो वो चार्ज हो गया है अब वो चार्ज हो रखा है बट जो आपने पीसेज रखे हैं पेपर के वो तो चार्ज नहीं है ना ठीक है तो आपका यहाँ पर रूलर क्या है इट इज़ अ चार्ज बॉडी एंड जो आपके पास पेपर के पीसेज आपने रखे हुए हैं दोज आर अनचार्ज ठीक है जी सो दिस चार्ज कॉन अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर दैट इज़ अन चार्ज रूलर या फिर कोई भी आपका जो कंगा आपने जो भी यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो यहाँ पे आपके पास जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है ठीक है जी यहाँ पे यू हैव गॉटन अ रन थ्रू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया दो टाइप के फोर्सेज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कॉन्टैक्ट फोर्स में मॉस्कुलर फोर्स मैकेनिकल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स non-contact force do not require direct or indirect contact contact forces may they require direct or indirect contact okay. so this is all for today's video we will study about the next topics in the coming next videos i will try to make as much videos as, an, uh, as i can sorry for the delays though so bye-bye